TCS Insights प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में शोम्पेन जनजाति। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हालिया खबर पर। हाल ही में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक ने कहा कि शोम्पेन जनजाति के लोग अपनी स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। आइए जानते हैं शोम्पेन जनजाति के बारे में। यह जनजाति मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है और इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति के केवल 229 सदस्य हैं। इन्हें अति दुर्लभ जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस जनजाति के लोग अपने विशिष्ट शोम्पेन भाषा बोलते हैं, जो निकोबारी भाषा परिवार से संबंधित है। ये लोग अर्ध घुमंतु जीवन शैली अपनाते हैं और जंगलों में छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। यह जनजाति मुख्यतः शिकार, मछली पकड़ना और संग्रहण पर निर्भर रहती है। इनका समाज गुटों में विभाजित होता है और ये बाहरी संपर्क से बचने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस जनजाति की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति के प्रति आस्था और पूजा पर आधारित है। ये अपने वन देवताओं की पूजा करते हैं। भारतीय सरकार ने शोम्पेन जनजाति के संरक्षण के लिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया है, ताकि उनकी पहचान और संस्कृति सुरक्षित रहे। इस जनजाति में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण उनकी जीवन प्रत्याशा और शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है। आइए जानते हैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बारे में। यह मानव जाति और उनकी सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह संस्था विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTs की पहचान और उनके संरक्षण पर अनुसंधान करती है। इसने वर्ष 1985 में पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत के सभी जातीय समूहों का सर्वेक्षण करना और उनकी सांस्कृतिक व भाषाई विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करना था। इसने कई राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे भाषाई सर्वेक्षण, संस्कृति मानचित्रण और आदिवासी हस्तशिल्प के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जनजाति मुख्य रूप से लक्षद्वीप में पाई जाती है। दूसरा कथन है, इन्हें अति दुर्लभ जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।